हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज ईवीएस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द वर्कबुक सॉल्यूशन ऑफ अ चैप्टर 3, वाटर ओ वाटर। सो नाउ लेट्स बिगिन। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन ए एन अर्दन कंटेनर, बी स्टील कंटेनर, सी क्लीन कवर्ड कंटेनर एंड डी एनी कंटेनर। सो ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन एन अर्दन कंटेनर, बिकॉज इन अर्दन कंटेनर द वाटर गेट्स कूल्ड अप ड्यूरिंग समर। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर कॉजेज ग्रेट मिसफॉर्च्यून इफ देयर आर। मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य, कोई विपत्ति, कोई दिक्कत जिससे होने लगती है। नंबर 1, वाटरफॉल्स, मोर वाटर इन लेक्स, फ्लड्स, वाटर्ड फील्ड्स। सो द आंसर इज फ्लड्स। फ्लड मीन्स बाढ़। जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर लोगों के लिए बहुत ही भारी दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए नीडिंग डो, बी मेकिंग टी, सी रनिंग फैंस, डी प्लांट्स टू ग्रो। वी नो दैट स्टूडेंट्स, वी नीड वाटर फॉर नीडिंग डो, सो दिस इज रॉन्ग। मेकिंग टी, यस वी नीड्स वाटर। प्लांट्स टू ग्रो, यस वी नीड वाटर। सो द आंसर इज सी, वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग फैंस। नंबर 4, विच एक्टिविटी नीड्स द लीस्ट वाटर। सबसे कम पानी किस एक्टिविटी में हम इस्तेमाल करेंगे, जरूरत होगी। नंबर 1, टू वॉश अ कार, बी वाटर इन द फील्ड्स, सी मेकिंग अ कप ऑफ टी एंड डी टेकिंग अ बाथ। सो आंसर इज सी, मेकिंग अ कप ऑफ टी। नाउ 5th, डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट द मोस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा पानी आपको नीचे दिए गए चारों में से कहाँ मिलेगा। नंबर 1, अ टैंक, बी आइसक्रीम, सी अ पॉन्ड, डी द सी। तो आंसर इज डी, द सी। सी मीन्स समुद्र, समुद्र में हमको सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ट्रू। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, दैट्स 100% ट्रू। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर ड्रिंकिंग। नंबर 2, बकेट शुड नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर, फॉल्स। वी नीड बकेट टू स्टोर वाटर। 3, वेरी लेस रेन कॉजेज फ्लड्स, फॉल्स, बिकॉज हैवी रेन कॉजेज फ्लड्स एंड वेरी लेस रेन कॉजेज ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा। नंबर 4, वी कैन नॉट क्वेंच आर थ्रस्ट बाई जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, फॉल्स। वी क्वेंच आर थ्रस्ट बाई ड्रिंकिंग वाटर ओनली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नंबर 5th, वाटर इन नेचर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस 100% ट्रू, वाटर इन नेचर फाउंड इन 3 फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड दैट इज आइस और स्नो, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैस evaporates in the form of steam. Now question number 3, fill in the blanks with the words given in the box. Number 1, dash and dash are solid forms of water. Ice and snow are the solid forms of water. Number 2, the swan is an animal which lives in water. Swan kahan par rehta hai? Pani mein. Yahan do baar nahi likh gaya beta, yahan pe ek baar likh lena, theek hai? The swan is an animal which lives in, swan, hans kahan rehta hai? Pani mein. Fir 3, we can get water in our house by opening the tap. Number 4, dash are the animals which live in water, fish. Fish lives only in water. Number 5, for running a race, we do not need water. Question number 4 now. Answer in one word or in one sentence. Name 2 daily activities which do not need water. Here we have to write the 2 activities in which we do not require water. So the 2 activities I mentioned here are reading and combing a hair. You can also write some other activities as you know. Now question number 2, name 3 daily activities which cannot be done without water. Here we have to write 3 activities which we do not require, which we must require water. So bathing, can you bath without water? Maybe no, so we require water for bathing. Cooking, we also need water for cooking. And fir
And for washing utensils, we need water. Now number 3, name 3 animals which can live in both water and on land. These animals are called as amphibians. They can live in both water and in land. क्या आप पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं? Maybe not. So here the 3 animals I mentioned here are crocodile, tortoise and frog. They can live in both water and on land. Now number 4. Name 2 sources of water except the tap from where we can get water for our daily uses. Tap के अतिरिक्त, except means अतिरिक्त, सिवाय. Tap के अतिरिक्त हमें 2 sources of water के नाम लिखने हैं जहाँ से हम अपनी डेली यूजेस के लिए पानी को यूज कर सकते हैं. तो नंबर 1 आई मेंशन हियर रिवर. अगर किसी के घर के आसपास से कोई रिवर जा रही है तो वहाँ से पानी फेच कर सकते हैं. वेल्स, कुएं वगैरह से. हैंडपम्प भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मैच द कॉलम 1 विद द एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉलम 2. सो ग्लास टम्बलर, फर्स्ट वन इज ग्लास टम्बलर. द ग्लास टम्बलर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर. बकेट, बकेट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. बॉटल, बॉटल इज यूज फॉर कूलिंग वाटर इन द रेफ्रिजरेटर. हम फ्रिज में बॉटल में पानी भरकर ही ठंडा करते हैं, उनको रखते हैं. हैंडपम्प, गेटिंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्स. हैंडपम्प जब हम चलाते हैं तो पानी कहाँ से? नीचे से आता है, फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन कंटेनर्स यू विल यूज फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. हमको यहाँ पर कंटेनर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है. ऑन अ हॉट डे स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग. तो ऑन अ हॉट डे वी यूज अर्दन पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग. मिट्टी का घड़ा, अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी का घड़ा. उसमें क्या होता है, समर में पानी ठंडा हो जाता है. टू ड्रिंकिंग टी, वी नीड कप. 3 सर्विंग वाटर ऑन द डाइनिंग टेबल, वी नीड ग्लास टम्बलर. नंबर 4 स्टोरिंग वाटर फॉर सम डेज, वी नीड बॉटल्स. एंड नंबर 5 स्टोरिंग कोकिल ऑयल, वी ऑल्सो नीड वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड एंड राइट. आपको सोचना है, ढूंढना है और लिखना है. फाइंड आउट एंड राइट 3 मेथड्स ऑफ सेविंग वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज. आपको मैंने यहाँ पर 3 ऐसे मेथड्स दिए थे लिखने के लिए जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं. मेथड नंबर 1, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग वेजिटेबल्स इन रनिंग वाटर यूज अ बिग बॉल. हम क्या करते हैं बच्चों कि हम अपने घरों में अपना टैप ओपन करते हैं और टैप ओपन करने के बाद हम ऐसे ही उसमें सब्जियों को धुलने लग जाते हैं, धुलते जाते हैं, पानी वेस्ट भी होता रहता है, बहता भी रहता है. तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि एक बड़े बॉल में पानी भर सकते हैं और फिर उसमें अगर हम अपनी सब्जियों को धुलते हैं तो हमारा बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बच जाएगा. सो द मेथड नंबर 1 इज इंस्टेड ऑफ वॉशिंग वेजिटेबल्स इन रनिंग वाटर यूज अ बिग बॉल. मेथड 2, इंस्टेड ऑफ बाथिंग इन शावर यूज अ बकेट ऑफ वाटर. आप में से बहुत बच्चे क्या करते हैं कि घरों में अपने शावर का टैप खोल देते हैं और फिर उसके नीचे बैठ करके नहाते हैं, साबुन लगाते जाते हैं, सावर बहता जाता, सावर का पानी चलता जाता है. इससे पानी बहुत वेस्ट होता है बच्चों. अगर हम एक बकेट ले लेंगे और फिर उसमें डब्बे से या मग से अगर हम नहाएंगे तो उससे हमारा पानी काफ़ी वेस्ट होने से बच सकता है. मेथड नंबर 3, यूज स्प्रिंकलर्स टू वाटर द प्लांट. हम क्या करते हैं कि सीधा पाइप लेते हैं और टैप ओपन करते हैं, फिर उससे जो है हम प्लांट्स में पानी को डालते हैं. तो उससे क्या होता है कि हम ओवरफ्लो कर देते हैं प्लांट्स को, तो जिससे पानी की वेस्टेज भी होती है और कभी कभी क्या होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट्स जो है वो सही से ग्रो नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्रिंकलर्स का यूज़ कर सकते हैं. टू यूज़ स्प्रिंकलर्स टू वाटर द प्लांट्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को जो है सेव कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे को इनके अलावा भी कुछ मेथड्स पता हैं जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं तो वो उसको भी अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. और अगर ऐसे मेथड्स आपको और ज़्यादा पता है तो आप मुझको भी लिख करके उनको सेंड कर सकते हैं. ओके देन, थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.